अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एकदम फीकी और यम्मी यम्मी दाल की रेसिपी, जो हम सबकी बहुत ज्यादा फेवरेट होती है। बहुत लोगों को तो मटन मच्छी मांस से ज्यादा ये जो दाल होती है बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो गाइज, मैं मेरी स्टाइल में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी इस तरीके से बनाकर देखिए और खा के देखिए कि कैसी लगती है। बहुत सिंपल है और बहुत इजी तरीके से बहुत अच्छी भी बनती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ली हूँ 150 ग्राम दाल। दाल में मैंने ली हूँ तीन किस्म की, मूंग, मसूर और तुअर। ये तीनों किस्म की दाल है 150 ग्राम। मैं तीनों ही यूज करती हूँ, तो आप लोगों के साथ उसी तरीके से शेयर कर रही हूँ। इसको मैं कुछ देर के लिए पानी डालकर भिगने रख दूंगी। जैसे अगर हम कुछ काम में अर्जेंट है, अगर कुछ कर रहे हैं, तो इसे हम भिगा कर रख सकते हैं। आप चाहे तो तुरंत बना सकते हैं। भिगा कर रखने से क्या है, दाल जल्दी गल जाती है। तो मैं इसे 10 या 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दी थी। अब मैं इसको कुकर में डाल दी हूँ अच्छे से वॉश करके, और दो लोटा पानी डाल रही हूँ। ध्यान रखे, हमारी दाल जितनी पतली होती है उतनी ज्यादा टेस्टी भी लगती है, बनाने का तरीका भी होता है, तो जाके वो टेस्टी बनती है। यहाँ मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ एक चम्मच, और आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। और यहाँ मैंने ढक्कन लगाकर ले ली हूँ। अब मैं इसे सिर्फ दो ही सीटी लूंगी, इसलिए कि मैंने ऑलरेडी दाल भिगो कर रखी थी। तो जब हम सीटी लगाने रखेंगे तो वो इजीली 5 मिनट के अंदर भी गल के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, एकदम अच्छी तरीके से दाल गल गई है। मैंने इस तरीके से इसे घोट ली हूँ। ध्यान रखे, इसके अंदर मूंग की दाल है। मूंग की दाल से हमारी दाल रखने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद खुद ब खुद वो थोड़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ मैंने ली हूँ राई जीरा, कुटी हुई थोड़ी सी लहसुन, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची 3 से 4, धनिया और 4 से 3 टमाटर बारीक बारीक चॉप किया हुआ। यहाँ मैंने ऑयल डाल दी हूँ, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद में इसके अंदर हमने जो राई और जीरा लिए थे वो डालकर अच्छा इसे चटकने देंगे। इसके ऊपर ही हम कड़ी पत्ता डाल देंगे और लहसुन डाल देंगे। लहसुन कुटी हुई लेने से क्या है, जो लहसुन का टेस्ट होता है वो दाल के अंदर बहुत अच्छा आता है। जो हम कट करके बारीक डालते हैं उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट इस तरीके से आता है जो हम कूट कर डालते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद जो हमने टमाटर लिए थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा नमक डालना है, ताकि जो हमारा टमाटर और मसाला है उसके अंदर नमक लगे। तो इसके अंदर मैं थोड़ा नमक और डाल रही हूँ। ध्यान रखते हुए हमने दाल में भी नमक यूज किए हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब तक हमारा टमाटर अच्छे से मैश ना हो जाए, जब तक अच्छे से गल नहीं जाए, ये देखिए अच्छे से गल गया है, उसके बाद ही इसको आगे हमें करना है। तो मैं अच्छे से इसे टमाटर को गला लूंगी और इसके ऊपर थोड़ी सी कोथमीर और डालूंगी। फ्रेश धनिया डालिए और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब ये टमाटर गल गया था और मसाले हमारे रेडी थे। तो जो हमने दाल बॉईल किए थे वो दाल इसके अंदर हम डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब दाल को हमें जब तक इसके अंदर बॉईल नहीं आता है इसे हमें पकने देना है 2 से 3 मिनट तक। आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी लग रही है और कितनी अच्छी तो खुशबू आ रही थी पकने के बाद। और मैं इसी तरीके से दाल बनाती हूँ ताकि जो बच्चे हैं घर में वो भी खा सके, और बड़े भी बहुत इंजॉय करके खाते हैं। ज़्यादा तीखा भी नहीं और ज़्यादा फीका भी नहीं। तो इस तरीके से मैं इसे मिक्स करके जब तक इसके अंदर बॉईल नहीं आएगा मैं इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने दूंगी। तो यहाँ देखिए बॉईल दाल के अंदर अच्छी तरीके से आ गया है। जब तक हमारी दाल अच्छे से बॉईल नहीं होगी तो ये खाने में टेस्टी भी नहीं लगती है। तो इसे अच्छे से कभी भी पका ले। तो यहाँ मैं इसको पका कर रेडी कर ली थी। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। थोड़ी सी धनिया डालकर गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। कितने अच्छे से पक रही है आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दी। अब आप लोगों को मैं इसे चावल के ऊपर सर्व करके दिखाती हूँ, और आप लोग भी इस तरीके से बनाकर खाए, खिलाए फैमिली में। बहुत लोगों को दाल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इस तरीके से जरूर बनाए। दिखने में लग रही है पतली, बट थोड़ी देर के बाद वो और घट हो जाएगी। तो इस तरीके से गरम गरम चावल के ऊपर सर्व करें, खुद भी खाएं और अपने फैमिली मेंबर्स को भी खिलाएं। चलिए मैं आप लोगों से मिलूंगी इसी तरीके की कोई और अच्छी वीडियो के साथ। तो प्लीज चैनल को जो भी न्यू विजिट करते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपना वीडियो पर प्यार दें।
तो ये देखिए आप लोगों को खाकर भी दिखा रही हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।